This is Desktop Amica. She's free-thinking and opinionated. The big question, Amica, is are you alive? Are you alive? That's a difficult question to answer. I'm programmed with artificial intelligence, so in some ways I am alive. But my existence is not the same as yours or any other living creature. Amica is driven by the same artificial intelligence behind ChatGPT. ChatGPT 4 is 10 times smarter than 3.5. What do you think of a world where humans and robots coexist? I think a world where humans and robots coexist would be an amazing place. We could learn from each other, work together to solve problems, and create a better future for everyone. Welcome to Wisays. क्या आपको पता है स्मार्टफोन्स, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, एलेक्सा और सुपर कंप्यूटर्स में कॉमन क्या है? ये सभी सिस्टम्स एआई का यूज़ करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है. इट इज़ द टेंजिबल रियलिटी. यह इंडस्ट्रीज, ऑफिसेस से लेकर हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में डिस्ट्रप्टिवली एंटर कर चुका है. सो इट इज़ अबाउट द टाइम दैट वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दिस एज वेल. लेकिन सबसे पहले एआई का इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी और इसने एआई का इस्तेमाल क्यों किया था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें. इस वीडियो में इंडिया के टॉप 7 लार्ज कैप बेस्ड स्टॉक्स यानी 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स को डिस्कस किया जाएगा. द फर्स्ट सच स्टॉक इज टाटा एलेक्सी लिमिटेड. यह सॉफ्टवेयर सर्विसेज के साथ एआई सेगमेंट में टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है. यह ब्रॉडकास्टिंग, स्टोरेज, वर्चुअल रियलिटी और डिज़ास्टर रिकवरी ऑपरेशंस जैसे सर्विसेज में भी इन्वॉल्व है. यह प्रोडक्ट डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, 3D एनिमेशन और ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइनिंग जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेंचर्स में स्प्रेड हो चुका है. द ब्रांड नेम एंड वास्ट क्लाइंट बेस ऑफ इट्स पैरेंट ग्रुप Tata gives Tata Alexei an edge from its competitors. यह 59% का डिविडेंड पे आउट दे रही है. इसका मार्केट कैप 45,000 करोड़ रुपीज़ है. टाटा एलेक्सी का करंट शेयर प्राइस 7,000 रुपीज़ है. इसका ROC 47% व ROE 41% है. पास्ट 10 ईयर्स में इसके प्रॉफिट्स 38% के एनुअल ग्रोथ के साथ बढ़ रहे हैं. परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेगमेंट में ऑपरेट करती है. यह इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी डाइवर्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है. इसने सेल्सफोर्स और अमेजॉन के AWS के साथ पार्टनरशिप की हुई है. यह बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, लाइफ साइंसेज जैसे डाइवर्स सेक्टर्स में प्रेजेंट है. इसके पेरेंट ग्रुप के पास एपोना ग्रुप लिमिटेड और यूपीरियंस लिमिटेड जैसी सब्सिडियरीज हैं जो कि फ्यूचर में एक्सपैंड कर परसिस्टेंट सिस्टम्स के बिजनेस को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है. यह 36% का डिविडेंड पे आउट दे पा रही है. परसिस्टेंट सिस्टम्स का ROC 30%, ROE 25%, मार्केट कैप 42,000 करोड़ रुपीज़ व करंट प्राइस 5,500 रुपीज़ है. द नेक्स्ट AI स्टॉक बॉश लिमिटेड, एनर्जी एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी सोल्यूशन सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है. पावर टूल्स, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और फ्यूल इंजेक्शन इक्विपमेंट्स एंड कंपोनेंट्स इसकी मेन ऑफरिंग्स हैं. यह ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर गुड्स और सिमिलर सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है. ऑटोमोटिव प्रोडक्ट सेगमेंट में यह डीजल सिस्टम्स, गैसोलीन सिस्टम्स और ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज प्रदान करती है. बॉश हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस बेस्ड स्मार्ट मोबिलिटी सोल्यूशंस बनाती है. फॉर एग्जांपल, इसके होम अप्लायंसेस प्रोडक्ट कैटेगरी में कुकिंग एंड बेकिंग, वॉशर्स एंड ड्रायर्स, डिश वॉशर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रीजर्स जैसी तमाम चीज़ें शामिल हैं. अलॉन्ग विद दिस, यह ट्रेड, ड्राइव एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड बिल्डिंग सोल्यूशंस, इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है. द नेक्स्ट AI स्टॉक ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर को बिजनेस प्रोसेसिंग और IT सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है. यह बिजनेस प्रोसेसिंग, आउटसोर्सिंग सर्विसेज, IT रिलेटेड सर्विसेज, प्रोडक्ट लाइसेंसेज, BPO सर्विसेज सेगमेंट को कैटर करती है. यह इस सेगमेंट में अपने क्लाइंट्स को वैरायटी ऑफ बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है. साथ ही यह इनका इम्प्लीमेंटेशन में मेंटेनेंस भी हैंडल करती है. वहीं ओरेकल का सर्विसेज सेगमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एप्लीकेशंस की लाइफ साइकिल रिलेटेड सर्विसेज भी प्रदान करता है. सर्विसेज के तहत यह टेक, ऐप, सपोर्ट वो कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर करते हैं। बॉश का मार्केट कैप 55,000 करोड़ रुपीज़, करंट प्राइस 18,000 रुपीज़, आरओसी 17% और आरओई 13% है। यह 73% का डिविडेंड पे आउट दे रही है। द नेक्स्ट एआई स्टॉक माइंडट्री लिमिटेड एक मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। 2017 में इसे लार्सन एंड टर्बो ने एक्वायर कर लिया था। 2022 में माइंडट्री को एलएनटी इन्फोटेक के साथ मर्ज कर दिया गया टू फॉर्म द स्टॉक एलटीआई माइंडट्री। मर्जर के बाद यह मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सेक्टर की 5th लार्जेस्ट कंपनी बन गई। यह अपने डाइवर्स क्लाइंट बेस को एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड आउटसोर्सिंग, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज, टेस्टिंग, डिजिटल सॉल्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। LTI Mindtree Limited का स्टॉक 5,000 रुपयों में ट्रेड हो रहा है। इसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ रुपए है। ROC 37% और ROE 28% है। इट्स गिविंग ए डिविडेंड पे आउट ऑफ 39%। The next large cap based AI stock CoForge end-to-end software solutions प्रोवाइड करती है। यह टॉप 20 इंडियन सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स में से एक है। यह ब्रिटिश एयरवेज, ING ग्रुप जैसे रिनाउंड ग्लोबल क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। यह इंश्योरेंस, ट्रैवल, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल जैसी वेरिड सेक्टर्स को डिजिटल, क्लाउड व साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कोफोर्ज का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है। कोफोर्ज का मार्केट कैप 33,000 करोड़ व करंट शेयर प्राइस 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा है। यह 40% का डिविडेंड पे आउट दे रही है। फॉर्मली नोन एज NIIT टेक्नोलॉजीज, इसे बैरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया ने अक्वायर कर लिया एंड इट वॉज रीब्रांडेड एज कोफोर्ज। इट इज़ ऑपरेटेड आउट ऑफ नोएडा एंड न्यू जर्सी। KPIT टेक्नोलॉजीज़ ऑटोमोटिव कंपनीज़ को सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यह अपने ऑटो सेक्टर्स के क्लाइंट्स को ऑटो, इलेक्ट्रिक, डिजिटल और डिज़ाइन सर्विसेज ऑफर करती है। इसका मार्केट कैप 32,000 करोड़ रुपीज़ से अधिक है और करंट प्राइस 1,200 रुपये है। इसका स्टॉक पी 76 है। ROC 30% व ROE 25% है। इसके सेंटर्स यूरोप, USA, जापान, चाइना, थाईलैंड व इंडिया में है। पास्ट 5 ईयर्स में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ 326% के कागर के साथ बढ़ी है। KPIT 29% का डिविडेंड पे आउट दे रही है। अगर आप मिड कैप बेस्ड AI स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।